यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। सीबी 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 अपोजिट इक्वल इक्वल पैरेलल। सर इक्वल पैरेलल। इक्वल सर एंगल डीएबी एंगल डीएबी सीबी डी ए यस सर। सर उधर बी सी आना चाहिए ना सर फिर। सर जो फर्स्ट ऑप्शन है ना एडी, तो उधर बी सी आना चाहिए ना सर। यस सर। वन एटी डिग्री सर थी
16 में टाइम पास करते। हाँ बेसिस धीरे धीरे सब लेफ्ट हो रहे सर आ गए। सर धीरे धीरे सब लेफ्ट हो रहे। कोई बात नहीं स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों आपको? पहले लोग राम के जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स होते हैं ना, अगल बगल वाले जो एंगल्स होते हैं, अगर आप पेयर लोगे, ठीक है, पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये याद रखो आप। एंगल डी ए बी, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये भी 180 डिग्री होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी 180 डिग्री होगा, एंगल सी प्लस एंगल डी, ये भी 180 डिग्री होगा, एंगल डी प्लस एंगल ए, ये भी 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री। चलो सिंपल है ये, देखो ये सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स एक्स वाई एंड जेड। सबको सवाल दिख रहा है? Yes, अभी अभी मैंने आपको ये देखो प्रॉपर्टी बताई ना, कंसेक्यूटिव एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। देखो यहाँ पे दो तीन प्रॉपर्टी एक साथ यूज होंगी, ठीक है। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मैं जो यूज कर रहा हूं आपको बताना होगा, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, नाम बता दो उसका एक बार मेरे को। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेलल इक्वल। सिद्धार्थ वानी की आवाज लग रही है मेरे को, सही है ना सिद्धार्थ वानी? यस सर, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल डी हमें देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, एंगल डी वाई दिया हुआ है, और एंगल बी हमें क्या दिया हुआ है, एंगल बी फॉर बॉल 100 डिग्री दिया हुआ है, दैट मींस ये 100 डिग्री हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया कि कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, ठीक है, और एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, एग्जैक्ट, ठीक है, जो बगल वाले एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी का नाम बताओ सर, सर एंगल ए की मतलब सम है 80। बताओ ना इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कंसेक्यूटिव एंगल्स सम प्रॉपर्टी, सप्लीमेंट्री,
ठीक है। सो एंगल ए हमें पता लगाना है, एंगल हमें पता नहीं है बट एंगल बी हमें पता है 100 डिग्री होगा। वेरी गुड, एंगल ए आएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल ए भी हमें पता लग गया 80 डिग्री आया, तो एंगल सी अब मैं कैसे निकालूंगा बता दो। अब ये तो बहुत इजी है सर, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेलल आर इक्वल, मतलब वेरी गुड, तो उधर भी 80 रहेगा, ये भी 80 डिग्री आएगा बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स। तो आपको बेटा लिखना पड़ेगा ये हमेशा, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये देखो बेटा पैरेललोग्राम का ये शॉर्ट फॉर्म भी कई जगह लिखा होता है, पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर, ठीक है। ऐसे हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज का यूज करके सारे एंगल्स पता लगा लिए। एंगल एक्स आया 80 डिग्री, एंगल वाई आया 100 डिग्री, एंगल जेड आया 80 डिग्री, ठीक है। यस सर। अच्छा ये कैसे निकालेंगे बताओ, सर सर मेरी आवाज आ रही क्या, सर मेरी आवाज आ रही, हाँ आ रही है, सर वायरस घुस गया था, वायरस घुस गया था, कौन सा कीड़ा था, कोरोना वायरस, क्या नाम था वायरस, कोरोना वायरस। चलो ठीक है, आप ध्यान दो यहाँ पे, ये देखिए पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो। आपको ये खुद लिखना है बच्चों, अब ठीक है, ये 50 डिग्री हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एंगल्स देखो लीनियर पेयर होंगे, ये वाले एंगल्स लीनियर पेयर हैं, सेम लाइन पे हैं, तो एंगल जेड हो जाएगा कितना 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये आएगा 130 डिग्री, ठीक है, 120 आएगा, 130, ठीक है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री होगा, दैट मींस 50 डिग्री प्लस एक्स ये भी 180 डिग्री होगा, एक्स अगर मुझे निकालना है तो 180 डिग्री में से मैं 50 माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा 130 डिग्री, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल वाई भी 130 डिग्री आ जाएगा, 130। ये आप इसकी स्टेटमेंट आप खुद लिखना है, ठीक है, कॉपी में आ जाए, ठीक है। अब ये देखो स्टेटमेंट क्या लिखे बेटा, अभी जैसे सवाल में लिखा है ना हमने स्टेप लिखा है, उसके आगे फिर प्रॉपर्टी लिखी है, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना, मतलब सेम लिखने ना, मतलब हाँ इसमें भी ऐसे यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो लीनियर पेयर वाली भी यूज हो रही है, यहाँ पे ये लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है, तो ये देखिए एक शेप दी हुई है हमें, सबको शेप दिखाई दे रही है, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा अभी देखो ये बहुत सिंपल है बच्चों, यस सर, ये देखो ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये बॉक्स बना रहता है एंगल की जगह अगर, तो उसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, वेरी गुड। अच्छा अब ये देखो सर, अब मैंने देखो यहाँ पे 90 डिग्री लिखा, मैं अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ एंगल एक्स जो है वो 90 डिग्री है, ऐसा क्यों लिख सकता हूँ मैं बताओ, 90 डिग्री सर, एंगल एक्स को मैंने 90 डिग्री लिख दिया, ऐसा क्यों, कौन सा बोलो, कौन सा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाइए, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है ना, ये वाली प्रॉपर्टी आपने पहले भी पढ़ी है, ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये प्रॉपर्टी है हमने पहले भी पढ़ी है वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली, सर
सर मतलब अभी जो वो 30 है तो वो हम 90 के आगे लेके जाए क्या? क्या हो गया? बहुत कम आवाज आ रही है प्रथमेश, अपना माइक बंद कर दो एक बार। क्या पूछ रहे थे ओम? सर एक मिनट वो स्लाइड पे जाओ ना। बोलो सर, जो 30 डिग्री है तो मतलब ये वाला 30 डिग्री है तो वो ये वाला 30 डिग्री इधर भी जाएगा क्या? अभी पता लगाते हैं उसको, अभी देखो कैसे पता लगता है। वो उधर नहीं जाएगा, अभी ये देखो, अभी हम पता लगा लेंगे इसका कहाँ पे क्या आएगा। देखो ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया ए, इसको पहले नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है? नेमिंग काफी हेल्पफुल होती है। ए बी सी डी, इसकी बेटा नेमिंग करके आपको खुद इसका स्टेटमेंट लिखनी भी है, ठीक है? तो बच्चों ये देखो ट्रायंगल, ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ, एक देखो ट्रायंगल बन रहा है ना ये। इसमें हमें देखो दो एंगल पता है, तीसरा एंगल निकालना है हमें। तो बेटा सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है बताओ? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल यूज करेंगे हम यहाँ पे, है ना? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये बेटा लिखना, ठीक है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये 180 डिग्री है। अब हमें दो एंगल पता है, ठीक है? एक 90 डिग्री है और एक 30 डिग्री है, और हमें वाई निकालना है। जल्दी से बता दो, तो बच्चों वाला आया, बताओ वाई क्या आएगा, जल्दी बताओ। चलो बच्चों 60 डिग्री होता है, बहुत बढ़िया 60 डिग्री आ गया। अच्छा अब आपको पता है ना कि ये देखो पैरेललोग्राम है, तो ये वाली साइड जो है, साइड ए बी जो है वो साइड 60 डिग्री डी सी के पैरेलल होगी। 60 डिग्री, वेरी गुड, 60 डिग्री आ गया, है ना? साइड ए बी जो होगी पैरेलल होगी ना सी डी के। क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? यस सर। सर अल्टरनेटिव वाली, ये कौन कार्टून चला रहा है पीछे? सर अल्टरनेटिव वाली, कौन कार्टून चला रहा है पीछे? सर गायत्री। बेटा अगर कार्टून देखना है ना, ये क्लासरूम लेफ्ट करके देख लो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? आराम से बैठ के कार्टून देख लो, ये रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में देख लेना, ठीक है? कार्टून देख लो जाओ। सर मेरे भाई, सर मेरा भाई टीवी देख रहा है इसलिए आवाज आ रही है। अरे प्रॉपर्टी बताओ मेरे को, क्यों होगा एंगल जेड बी वाई के इक्वल क्यों होगा? देखो बच्चों याद करो, अभी अभी हमने डिस्कस किया था ये दो पैरेलल लाइन। बेटा अपने माइक बंद करोगे ना तब आपको आवाज साफ आएगी। सर माइक ऑफ कर लो एक बार, सबकी आवाज आएगी तो फिर मेरी आवाज कहाँ से आएगी? माइक एक बार बंद कर लो अपने, ठीक है? देखो अगर ये टू पैरेलल लाइंस हैं, एल एंड एम आर पैरेलल, ठीक है? और एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो आपको याद होगा ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है, ऑलराइट? और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी होती थी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, वही प्रॉपर्टी से एंगल वाई जो है ना वो एंगल जी के इक्वल होगा। एंगल वाई 60 डिग्री है तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, ठीक है? तीनों एंगल निकाल लिए। अब जिसको दिक्कत आएगी स्टेटमेंट लिखने में वो इसमें जो इसकी रिकॉर्डिंग है ना वो फिर से देख लेगा, ठीक है? ठीक है
यस सर, वो रिकॉर्डिंग फिर से देख लेगा अगर किसी को स्टेटमेंट लिखने में दिक्कत आ रही है। ठीक है ठीक है, एल एंड एम आर पैरेलल। सर मैं भी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। क्या हो गया? सर मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कर रहे हो? वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चों ये देखो एक बार, ये सब देखो प्रॉपर्टीज हैं जो आपका लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर था ना पिछले साल, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया, अब मैं यहाँ पे इसकी नेमिंग कर देता हूँ फटाफट फटाफट, आप लोग स्टेटमेंट खुद लिखना है। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी सप्लीमेंट्री है, पैरेललोग्राम में जो अगल बगल के एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं बच्चों। तो ये एंगल एक्स क्या आएगा बताओ? -80 डिग्री कर देंगे इसको, 100 डिग्री आएगा। एंगल जेड और एंगल बी, देखो एंगल जी एंड एंगल बी इक्वल होंगे, क्यों? सर 100 डिग्री एंगल जी होगा एंगल बी के इक्वल। सर एंगल एंगल वाइज भी 80 डिग्री। करस्पोंडिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी याद है किसी को? करस्पोंडिंग एंगल वाली? यस सर वही भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और आप लीनियर पेयर वाली भी यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर हमने यहाँ पे x निकाल लिया ना, 100 डिग्री है, हमने यहाँ पे निकाल लिया x जो है 100 डिग्री है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि अपोजिट एंगल तो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो ये वाला भी 100 डिग्री होगा, ये वाला 100 डिग्री होगा। अब आपको ये भी पता है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से दैट एंगल z प्लस 100 ये भी 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो उससे भी एक इक्वेशन बन जाएगी। yes, sir. और हमारे पास एंगल z क्या आएगा? yes, sir. 80 डिग्री आएगा ना सर। अब ये 80 डिग्री है तो एंगल y भी 80 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल्स आर ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये बेटा आपको पूरा डिटेल में कॉपी में लिखना है, ठीक है, कॉपी में इसको लिख के खत्म करना है। ठीक है सर। सिमिलरली ये वाला सवाल देखिए, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं इसमें? अच्छा अब आप मेरे को एक बात बताओ, अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसने घुमा फिरा के सवाल दिया है, ठीक है, तो हम फटाफट इसका आंसर निकालेंगे। अच्छा एंगल बी जो है 112 दिया हुआ है, तो एंगल वाई क्या होगा बच्चों, फटाफट बताइए मेरे को। 112 होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एंगल ए प्लस एंगल डी किसके इक्वल होगा? एंगल ए प्लस एंगल डी 124 सर। अरे अभी तो बताया था कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे ना ये, तो इनका सम 180 डिग्री आएगा। एंगल ए दिया हुआ है हमें 40 डिग्री प्लस जेड प्लस एंगल डी हमें क्या है, एंगल डी जो है वाई है, वाई है, और वाई हमें पता है 112 डिग्री है। अच्छा 112 प्लस 40 डिग्री क्या होगा, इन दोनों का सम कर लेंगे क्या आएगा? 152 डिग्री। तो Z क्या आएगा बताओ? 28 डिग्री। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड, ये देखिए 28 डिग्री आ गया। अब मैंने देखो चुपचाप कह दिया एंगल X इज इक्वल टू एंगल Z इक्वल टू 28 डिग्री, ऐसा मैंने क्यों लिखा बताओ? ऐसा मैंने कैसे लिख दिया बताओ?
अपोजिट साइड अल्टरनेट इंटीजर एंगल वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिया मैंने। ए बी और सी डी पैरेलल है और ए सी देखो ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, ए सी ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है ना। तो एंगल एक्स और एंगल जेड जो होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी से मैंने उसको 28 डिग्री लिख दिया, ठीक है। ये 28 डिग्री आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो इसका स्टेटमेंट बेटा आप कॉपी में अच्छे से लिखना, ठीक है। चलो ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं बच्चों, ठीक है। बाय सर।